यस स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी पोर्शन. इंपॉर्टेंट पोर्शन है नॉट ओनली क्लास ट्वेल्थ, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसका डिटेल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं. पर्सनली सजेशन है कि जो आप पेनड्राइव यूज करते हो उसमें जो डिटेल पोर्शन है पहले वो कवर करें फिर एनसीईआरटी, पर अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी भी करेंगे तो मैं पूरा बेसिक रिविजन के साथ कवर करते हुए चलूंगा. कंटिन्यूटी का मतलब पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी देन डिफरेंशिएबिलिटी. कंटिन्यूटी का मीनिंग ये होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करना है. सपोज मैं लिखूं y इक्वल टू एक्स, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये देखिए दिस इज कंटिन्यूअस ग्राफ, मीन्स कहीं पर ग्राफ में ब्रेक नहीं है. सपोज मैंने कहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मैंने आपसे कहा ग्राफ बनाइए, ये इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है. सपोज मैंने आपसे बोला y इक्वल टू, पहले एक बेस बता रहा हूं फिर उसके बाद एक लिमिट के रिवीजन के बाद हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे. सपोज मैंने लिखा y इक्वल टू 1 बाय एक्स, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो आपको ये पता है कि जीरो पर ये डिफाइंड नहीं है. इसका मतलब जीरो के पहले और जीरो के बाद हम देखें, और जीरो से वन में x की वैल्यू अगर जीरो से वन में है तो 1 बाय एक्स की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होंगी, और x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है तो 1 बाय एक्स की वैल्यू 0 टू 1 होगी. राइट इसका मतलब 0 से 1 में इसकी वैल्यू ज्यादा होती है और 1 के बाद कम होना चालू हो जाती है. तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है लाइक दिस. अब आप समझिए 0 x इक्वल टू यहां है, तो 0 के राइट पर फंक्शन यहां है, 0 के लेफ्ट पर फंक्शन यहां है, यानी फंक्शन में कंटिन्यूटी नहीं है. 0 के बाद कंटिन्यूस है. अगर मैं आपको एक लॉजिकल बात बताऊं y इक्वल टू 1 बाय एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं तो ये कंटिन्यूस है. अगर y इक्वल टू 1 बाय एक्स में x लेस देन 0 बोल रहा हूं तो ये कंटिन्यूस है, पर केवल y इक्वल टू 1 बाय एक्स लिखा है तो ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि 0 पे ब्रेक हुआ, और ब्रेक के बाद अगर हम देखें तो इसका एक ग्राफ यहां जा रहा है, 0 के बाद यहां जा रहा है, यानी ये ग्राफ टूट गया, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा एट x इक्वल टू 0. 0 के अलावा ये कंटिन्यूस है. तो हमें कंटिन्यूटी में जो ट्वेल्थ वाले पोर्शन में पढ़ना होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना होता है कि उस पॉइंट पर, जैसे मैंने बोला कि x इक्वल टू, सपोज यहां पर थोड़ी देर के लिए x इक्वल टू 0 देखें, तो हमें 0 के राइट पर और 0 के लेफ्ट पर फंक्शन का बिहेवियर देखना है, ग्राफ कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा. अगर ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और अगर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है. यही कंसेप्ट हमने क्लास 11th में लिमिट में पढ़ा था. लिमिट कंटिन्यूटी का बेस है क्योंकि हम लिमिट के बिना कंटिन्यूटी के कंसेप्ट डेवलप नहीं कर सकते. इनफैक्ट लिमिट कोई टॉपिक ही नहीं होता, कंटिन्यूटी ही टॉपिक होता है. पर कंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए लिमिट की पहले हम प्रैक्टिस करते हैं फिर कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करते हैं. तो आपको इस चैप्टर में बेसिकली यही देखना होता है. जैसे मान लो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स ऐसा फंक्शन जो केवल एनी इनपुट आउटपुट विल बी इंटीजर्स. राइट जैसे मैंने बोला ये है, सपोज आपने कहा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहले मीनिंग समझ लें. अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 ही मिलेगा, पर 1.1 रखूंगा तो भी 1, इवन 1.9999999999 अप टू इन्फिनिटी रखूंगा तो भी 1 ही मिलेगा. ठीक नेचर कहां पे जाके 10 होगा? 2 पर. जैसे आप अपनी एज अपने बर्थडे वाले दिन चेंज करते हैं वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना वैल्यू इंटीजर पे चेंज करता है. 2.1 पे भी 2, इवन 2.9999 पे भी 2, ठीक 3 पे 3. अब मैं आपसे इसका ग्राफ बोलूं तो आप समझिए इसका ग्राफ एक स्टेप ग्राफ बनता है. तो इसका पहले हम इंट्रोडक्शन अच्छे से समझें, उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत जल्दी आपको बनने लगेंगे. सिंपल क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी में. अगर मैं आपको इसका ग्राफ जनरेट करने को बोलूं तो आप कुछ इस तरह का ग्राफ बनाने वाले हैं. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 0 से -1, -2. अब मैं बोलूं 0 से 1 में ठीक 0 पर वैल्यू 0, 0.9999 पे भी 0, मीन 0 से 1 में ये डॉट बना रहा हूं मैं, 0 वैल्यू हुई. 1 को टच नहीं करना, 1.99 तक लेना. ठीक 1 से 2 में, ठीक जब 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 से 2 में ये 1 मिल गया और 1.999 तक ये 1 मिलेगा. 2 से 3 में 2, 3 से 4 में 3, लाइक दिस. -1 से 0 में नेगेटिव में ऐसा याद रखिएगा, -1.5 होगा तो -2, लेफ्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है वो. -2 होगा तो 2, -2.5 होगा तो देन अगेन -3. तो ये आप एक चीज समझिए, अब आपको ग्राफ समझ में आ रहा होगा ये ब्रेक हो गया.
यानी अगर मैं ठीक वन पर इसका बिहेवियर देखूं, देखिए समझिए बात को लॉजिकली, अगर इसका वन पे बिहेवियर देखूं तो वन के राइट पर ग्राफ ये है और वन के लेफ्ट पर ये, ठीक वन पर देखिए, मैंने वन रखा तो मुझे वन मिला, मैंने 1.001 रखा तो भी वन मिला, पर जब मैंने 0.99 रखा तो मुझे जीरो मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन के राइट पर बिहेवियर वन है, वन के लेफ्ट पर बिहेवियर जीरो है, ग्राफ टूट गया, ग्राफ ब्रेक हो गया, तो इसे हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। पर यही क्वेश्चन में अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए सोचिए कि 1.5 पे पूछता तो आप कंटिन्यूअस बोलते, क्योंकि 1.5 के लेफ्ट पर और राइट पर ग्राफ नहीं ब्रेक हो रहा। तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना होता है। तो एक ही ग्राफ जिसमें आप डिसकंटिन्यू आंसर बोलते हो उसका आंसर कंटिन्यू भी हो सकता है, डिपेंड ऑन ग्राफ। तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना है, तो उस पॉइंट के लेफ्ट पर जो कंसेप्ट हमने लिमिट पर डेवलप किया था उसी का एडवांस पार्ट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट और राइट पर हमें नेचर देखना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इन जनरल अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लें, सपोज वाई इक्वल टू में एफ एक्स फंक्शन लूं, अब कंटिन्यूटी पे आए हम, y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, अगर मैं x इक्वल टू ए पे देखना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं लूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट मिस x इक्वल टू ए माइनस एच, राइट। अब आपको याद होगा लिमिट में हम किस ढंग से लिखते थे, अभी मैं लिखूं तो एफ ए माइनस एच सिंपल लिख रहा हूं, फिर पूरे कंसेप्ट के साथ लिखते हैं। ऐसे ही हम लिमिट लेंगे RHS, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू क्या a प्लस एच, ऐसा मान लीजिए कि x इक्वल टू ए पॉइंट है, आपने उसका लेफ्ट लिया उसका राइट लिया, ये निकाला एफ ए प्लस एच और इसी तरह से आपने एक एफ ए निकाला। अब सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, मीन्स एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इक्वल टू अगर एफ ए है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस। लिमिट में यही चीज हम बोलते थे, लिमिट एग्जिस्ट करती, यानी आप लिमिट ही पढ़ रहे हैं, फंक्शन में हम बोलते हैं सॉरी कंटिन्यूटी में हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर सपोज एफ ए माइनस एच नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस एच तो हम बोलते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो एफ वन प्लस एच पर, एक आइडिया दे रहा हूं, आपको वैल्यू वन मिली थी, वन माइनस एच पर आपको वैल्यू जीरो मिली, और ठीक वन पर वन ऑल इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। पर यही चीज अगर मैं 1.5 पे पूछता तो 1.5 पे 1, 1.5 प्लस एच पे भी 1, 1.5 माइनस एच पे भी 1 इक्वल है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1.5। तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में जिस पॉइंट पे दिया है उसके लेफ्ट पर और उसके राइट पर फंक्शन के बिहेवियर को चेक करना है, नेचर को चेक करना है, रिजल्ट को। अगर सेम रिजल्ट है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, और अगर सेम रिजल्ट नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। यानी अगर हम इन टर्म ऑफ लिमिट पर आए प्रॉपरली तो ये कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू ए, तो लॉजिकली हम देखें तो लिमिट एक्सटेंस टू a एफ एक्स एक्सिस्ट करती है कि नहीं, ये चेक करना है आपको। तो आप क्या करेंगे फिर समझिए, आपने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू ए माइनस एच एक्सटेंस टू ए, देयर फोर एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच फाइंड करिए। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट पे आए तो एक्स इक्वल टू ए प्लस एच एक्स टेंस टू ए, देयर फोर एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच फाइंड करिए, बोथ आर इक्वल देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, ऐसा बोलेंगे। इसको कई बुक में या हम भी ऐसा भी लिखते हैं, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, लिखने के तरीके हैं, इसको हम कई बार ऐसा भी लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, ए नेगेटिव मीन्स ए से छोटा, और राइट हैंड लिमिट को हम कई बार ऐसा भी लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, राइट। अब क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, पर क्वेश्चन करने के पहले एक बार लिमिट के बेसिक फॉर्मूले का रिविजन करें, जिससे जो कंटिन्यूटी में हम जब क्वेश्चन करें तो हमें प्रॉब्लम ना जाए। यस, तो लिमिट के बेसिक फॉर्मूले एक बार रिवाइज करते हैं क्विक एंड फास्ट। नंबर वन, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन टाइम्स ए पावर एन माइनस वन। इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन
अपॉन x पावर m माइनस a पावर m n बाय m a पावर n माइनस m, लिमिट x टेंस टू a या x टेंस टू 1, ये भी ध्यान रखिएगा, x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू n, लिमिट x टेंस टू 1 x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x पावर m माइनस a पावर m n बाय m, राइट। नेक्स्ट आते हैं लिमिट, और ये सब कैलकुलेशन कैलकुलस में रेडियन में होती है, x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज 1, एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये सेम होना चाहिए। तो सपोज x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन x हो तो हम क्या करेंगे, आंसर ए आएगा, कैसे, ए का डिवाइड ए का मल्टीप्लाई, तो ये मिलके 1, तो फाइनल रिजल्ट विल बी ए। लिमिट x टेंस टू 0, और बीच में भी जो फॉर्मूले लगेंगे मैं आपको बताता चलूंगा, टेन एक्स अपॉन एक्स इज ऑल्सो 1, लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर x माइनस 1 अपॉन x 1, लिमिट x टेंस टू 0 ए पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x e। इसको मैं आपको हमेशा याद ऐसे रखवाता हूं कि अगर यहां 0 पुट कर दूं तो 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी हो तो आंसर विल बी e, अगर लिमिट इंफिनिटी होती सपोज तो ये ऐसा मिलेगा 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर x, दिस इज ऑल्सो e। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ax टू द पावर 1 बाय x e पावर a, लिमिट x टेंस टू 0 सॉरी इंफिनिटी 1 प्लस a बाय x टू द पावर 1 प्लस a बाय x टू द पावर x इक्वल टू e पावर a। नो डाउन, यस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मैं आपको पूरा कंटिन्यूटी का रिवीजन कंसेप्ट सब चीजें डेवलप कर दूंगा, ऑलरेडी हम कवर तो कर चुके हैं, अब एनसीईआरटी के हिसाब से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 कॉमा एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5। सबसे पहले हम समझें, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस देखना है तो हमें उसके ग्राफ की भी स्टडी करना चाहिए। जैसे y इक्वल टू 5x माइनस 3 है, अगर याद हो तो ये फॉर्म है y इक्वल टू mx प्लस c की, स्ट्रेट लाइन में हमने 11th में पढ़ा है, यहां पर स्लोप 5 है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस माइनस 3 है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता तो कुछ ऐसा बनता, लाइक दिस, राइट। अब ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है, अब कुछ कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, आगे मैक्सिमम मिनिमम में काम आते हैं। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब ये फंक्शन भले ये 3 पॉइंट नहीं इनफाइनाइट पॉइंट भी दिए होते तो हम बिल्कुल सिंपली बोल सकते थे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें आपको मेथड से करना होगा तो क्या करेंगे, लॉजिकली समझिए, जैसे एट एक्स इक्वल टू 0 बोला है, सबसे पहले 0 पे देखिए क्या आएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3 माइनस 3। अब लिमिट भी चेक कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3 आप रखेंगे तो माइनस 3 मिला, यानी लिमिट और f0 सेम है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन इतना सफिशियंट है, अदरवाइज हम क्या करते, एक लेते LHS लिमिट x इक्वल टू 0 माइनस h, राइट, x टेंस टू 0 देयरफॉर h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3, h के प्लेस पे जब आप 0 रखते तो माइनस 3 मिलता। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालते, राइट, 0 मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू माइनस 3 है, ये इसका मीनिंग है, राइट। अब आप जब RHS लिमिट लेते तो आप लिखते हैं x इक्वल टू 0 प्लस h, x टेंस टू 0 देयरफॉर h टेंस टू 0, राइट, ये लिखते हैं आप इस स्टेप्स, ये केवल 12th के हिसाब से, अदरवाइज तो कॉम्पिटिटिव में आपको बहुत सारे कंसेप्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, यहां पर बताता चलूंगा। 0 प्लस h, राइट, अब यहां पर आप लिखते कितना, 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3, दिस इज ऑल्सो माइनस 3। अब आप बोलते लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, या f0 प्लस h
इक्वल टू एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू एफ जीरो, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। सिमिलरली आप माइनस थ्री पे भी ऐसे निकालेंगे, फाइव पर भी, जितने पॉइंट दिए, बिकॉज पॉलीनोमियल इक्वेशन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इनफाइनाइट पॉइंट भी होंगे तो कंटिन्यूअस होगा, ग्राफ से भी हमें समझ में आ जाता है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपको ग्राफ भी बहुत हेल्प करेंगे। ये केवल स्टेप जो है वो हमारी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी हम एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट है बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना, राइट? नोट डाउन। अब इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे एट एक्स इक्वल टू फाइव लिखा है, फाइव पे भी देख लीजिए, और कम से कम ये जो स्टेप लिखी है एलएचएस आरएचएस में, आपको बोलूंगा ये आप लिख लिया करिए हर क्वेश्चन में, और डिपेंड ऑन नंबर्स हम थोड़ा सा स्टेप्स को कम करेंगे। एफ फाइव पे निकालें, एफ फाइव क्या होगा देखिए, फाइव इंटू फाइव माइनस थ्री, ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री ट्वेंटी टू। अब क्या लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फाइव माइनस एच, राइट? तो फाइव इंटू फाइव माइनस एच माइनस थ्री, एच की जगह जीरो रख देंगे बाद में, ये डायरेक्ट स्टेप्स है। तो ट्वेंटी टू एक बार लिया, फाइव प्लस एच, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत काम की है, सब्जेक्टिव एग्जाम में आप ऐसा ना करें। ये आ गया 22। सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो आप क्या लिखोगे, ये अब मैं आगे से क्वेश्चंस में थोड़ा अवॉइड करूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। x इक्वल टू फाइव माइनस एच, एक्स टेंस टू फाइव, देयर फोर एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, फाइव इंटू फाइव माइनस एच माइनस थ्री, आंसर वही आएगा बस, पर आपको ये स्टेप्स लिखनी रहेगी। ये लेफ्ट हैंड के लिए होगी, राइट हैंड के लिए क्या होगी, x इक्वल टू फाइव प्लस एच, एक्स टेंस टू कितना है फाइव, therefore s tends to zero, ये हो जाएगा लिमिट फाइव इंटू फाइव प्लस एच माइनस थ्री, देन 22, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट x इक्वल टू थ्री, देन अगेन आप समझिए ये कौन सा फंक्शन है, टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये पैराबोलिक कर्व है अगर आपको याद हो। मैं आपको ये कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम क्वेश्चन को जितना डायरेक्ट कर सकते हैं उतना करें। अब अगर ये समझें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की आपने इक्वेशन पढ़ी है, वर्टिकली अपवर्ड एंड एवरीवेयर कंटिन्यूअस, नो इशू। तो ये थ्री की जगह जो भी पॉइंट लिखते हैं आप बोलते हैं कंटिन्यूअस, एक लॉजिक। सेकंड, दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मतलब अगर मैं कोई एक n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलूं तो ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा कंटिन्यूअस होती है फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो अब आपके दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए कि अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इमीडिएटली बोलेंगे कंटिन्यूअस एवरीवेयर। बाकी अभी क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो इसका ग्राफ बनाना चाहे तो उसका ग्राफ भी बना सकते हैं, और इसको करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले थ्री एफ थ्री निकालिए क्या आएगा। देखिए एफ थ्री निकाला तो टू इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस वन, नाइन एटीन, ये आया सेवनटीन। बस अब आपको एलएचएस लिमिट आरएचएस से निकालना है। अब मैं आपके साथ डायरेक्ट करूंगा, आप लोग वो स्टेप लिख लिया करिए, एफ थ्री माइनस एच तो टू इंटू थ्री माइनस एच का स्क्वायर माइनस वन, एच हमेशा जीरो होता है, तो अगेन ये सेवनटीन आया। राइट हैंड लिमिट ली एफ थ्री प्लस एच तो टू इंटू थ्री प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन, दिस इज ऑल्सो सेवनटीन, राइट? तो सब्जेक्टिव एग्जाम में अप्रोच है, पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डिपेंड ऑन क्वेश्चन, अगर ग्राफ आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर है तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर मार्क करें, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर हम ए देखें, तो ए आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, यानी फर्स्ट का आंसर आप इजीली कंटिन्यू बोल सकते हैं, राइट? ग्राफ से समझ सकते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन पे आए, सेकंड समझने वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। सबसे पहले अगर यहां पर ये फाइव नहीं लिखा होता, मान लो ये नहीं दिया होता, तो हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि फाइव के बाद और फाइव के पहले नीचे देखना है, पर वो फाइव देने से क्या हुआ कि अगर इसके ग्राफ को हम समझें, फाइव तो पहले ही मना कर दिया, ये एक्स इक्वल टू सपोज फाइव है, राइट? तो फाइव के पहले इसका नेचर कुछ ऐसा होगा, फाइव के बाद इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। पर आपको क्योंकि यहां पर लिख दिया है फाइव नहीं लेना है, इसका मतलब एक्सेप्ट फाइव के अलावा चेक करना है, तो ये कंटिन्यूअस होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने लिमिट में भी बहुत किए हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, राइट? यहां पे माइनस 5 लिखा हुआ है, मतलब आपको माइनस 5 नहीं लेना है। अब इसके मैं फैक्टर बनाऊं
ये हो गया 5 से 5 कैंसिल, लिमिट में आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं तो ये x माइनस 5 आ गया राइट। अब एफ 5 निकालेंगे, 5 तो लेना नहीं है माइनस 5, तो आपको माइनस 5 प्लस h देखना है, तो माइनस 5 प्लस h माइनस 5 दिस इज माइनस 10, माइनस 5 माइनस h देखना है, माइनस 5 माइनस h माइनस 5 दिस इज ऑल्सो माइनस 10 राइट। और याद रखिएगा यहां पर ये मेंशन किया हुआ है तो आपको वो चेक नहीं करना है, तो दोनों चेंज है। LHS लिमिट RHS लिमिट देखनी होती है, तो दोनों सेम है तो हम बोलेंगे फंक्शन अगेन कंटिन्यूअस। याद होगा इस तरह के क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 25 अपॉन x प्लस 5। याद रखिए जिस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है बेसिकली वो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, और हम ऐसा बोल सकते हैं जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उन्हीं में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जिसमें जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उसकी लिमिट हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो आप लिमिट से भी चेक कर सकते हैं। तो इसके आप अगर फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 5 x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5, x प्लस 5 कैंसिल तो x माइनस 5 ये आ गया माइनस ऑफ 10। लास्ट क्वेश्चन देखें तो मॉड फंक्शन है, आगे जब डिफरेंशिबिलिटी पढ़ते हैं तो मॉड फंक्शन कई जगह डिफरेंशियबल नहीं होते पर कंटिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं। Any mod function is continuous in everywhere for x belong to real number, क्योंकि इसका ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होता राइट। तो ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, नो प्रॉब्लम, नो डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते, देखिए अगेन पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई, प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, n belong to positive integer। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है और पॉलिनोमियल इक्वेशन एवरीवेयर कंटिन्यूस होती है। समझिए आप, अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू x का ग्राफ बनाइए राइट, तो y इक्वल टू x का ग्राफ ये बनता है, बाकी सब इसके रिस्पेक्ट में बनते हैं। मैं बोलूं y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा राइट, कुछ ऐसा बनता जाएगा। अलग बना लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि बोर्ड पर बना रहे हैं, ये बन गया। मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाइए, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये हो गया। याद रखिए x के कंपेयर में y की वैल्यू इंक्रीज हो तो ग्राफ टूवर्ड y शिफ्ट होता है, y x के कंपेयर में y की वैल्यू कम हो तो ग्राफ टूवर्ड x शिफ्ट होता है y इक्वल टू x लाइन के। जैसे अगर x की वैल्यू 2 रखूं तो y 4 मिलेगा, 4 रखा तो 16, यानी y की वैल्यू जैसे जैसे इनपुट दे रहा है उसके कंपेयर में y ज्यादा बढ़ रहा है तो ग्राफ टूवर्ड y शिफ्ट होता है। अब y इक्वल टू अगर मैं कभी रूट एक्स बोलूं तो देखिए 4 रखने पे 2 आएगा तो ग्राफ टूवर्ड x शिफ्ट होगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अब y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो ये ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स पावर 4 है तो ये ग्राफ हो गया और करीब आ जाएगा, x पावर 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर x पावर n को क्या बोलेंगे, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। वैसे भी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो अभी तो पॉजिटिव इंटीजर दिए, आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें तो उसके राइट पर और उसके लेफ्ट पर ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 5th है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। इसका मीनिंग समझ लीजिए, इसका मीनिंग होता है कि 1 से कम या 1 पर फंक्शन एक्स होगा और 1 से ऊपर होने पर फंक्शन वाई होगा। मतलब लॉजिकली हम समझें, अगर मैं आपसे बोलूं एफ वन क्या होगा तो 1 यहां पुट करेंगे 1, एफ वन माइनस एच क्या होगा तो भी यहीं पुट करेंगे, पर अगर मैं आपसे बोलूं एफ वन प्लस एच क्या होगा तो आप बोलेंगे 5। अब जैसे आपसे यहां पर पूछा है एट एक्स इक्वल टू 0, तो एट एक्स इक्वल टू 0 तो बोलिए पहले एफ 0 क्या होगा। अगर मैं बोलूं एफ 0 तो 0 मतलब 1 से छोटा, ये वाला फंक्शन होगा तो 0 ही होगा। एफ 0 प्लस एच नियर ही होगा, एच दिस इज ऑल्सो 1, एफ 0 माइनस एच दिस इज ऑल्सो 0, सॉरी तो 0 पर कंटिन्यूस है। अब फिर उसके बाद बोला है 1, यहां पर समझना है क्वेश्चन को। अब देखिए 1 पे पूछा है मीन्स एफ 1 कितना होगा, तो ठीक 1 पे फंक्शन ये वाला है, 1 पे फंक्शन ये वाला है, तो एफ 1, एफ 1 माइनस एच अगर मैं बोलूं 1 से छोटा तो यही वाला होगा तो 1 होगा, पर मैं अगर f 1 प्लस h बोलूं तो 1 से बड़ी वैल्यू यहां पर है कितनी, 5, मींस f 1 माइनस h नॉट इक्वल टू f 1 प्लस h, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया
राइट, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन. अब एट एक्स इक्वल टू टू बोला है, नो इशू, टू मतलब वन से बड़ा ही हुआ, तो एफ टू कितना होगा, फाइव. एफ टू माइनस एच कितना होगा, ये लिमिट के साथ लिख देते हैं बस, और कोई चेंज नहीं होता, अगेन फाइव. एफ टू प्लस एच कितना होगा, देन अगेन फाइव. तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू, बट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन. राइट, नोट करिए. यस, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं. इसमें आपको बताना है कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है. देखिए अब क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. टू एक्स प्लस थ्री इफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू, एक्स ग्रेटर देन टू. देखिए एक चीज समझिए, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये भी. तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट ये टू तक के लिए डिफाइंड है और ये टू के बाद डिफाइंड है. हम लॉजिकली समझें तो हमें बस ये चेक करना होता है कि इसका ग्राफ ठीक टू पर ज्वाइंट होगा कि नहीं. मैं अभी ग्राफ से भी समझाऊंगा. सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपसे कि एफ टू बताइए क्या होगा, तो टू जहां पे इक्वल टू लगा वहीं आएगा. तो टू इंटू टू प्लस थ्री, फोर प्लस थ्री सेवन. मैं आपसे बोलूं टू माइनस एच क्या होगा, टू माइनस एच में याद रखिएगा टू से कम. तो टू माइनस एच के लिए भी यही फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो सेवन. अब मैं अगर आपसे बोलूं टू प्लस एच क्या होगा, राइट, टू प्लस एच क्या होगा, तो आप इसमें रखेंगे तो 2 इंटू टू प्लस एच माइनस ऑफ 3, ये आया 1. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर f2 माइनस एच नॉट इक्वल टू 2 प्लस एच. तो हम बोलेंगे एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. राइट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. अब ग्राफिकली समझें, एक ग्राफ इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक आइडिया लगेगा कि 2 ये आ गया पॉइंट सपोज. तो 2 से पहले फंक्शन ये है, 2 से पहले फंक्शन ये मीन्स y इक्वल टू 2x प्लस 3. तो 2 से छोटी जो भी वैल्यू होंगी, जैसे मैंने 0 रखा तो मुझे मिला 3, 0 पर मिलता है 3, ठीक है. 2 रखा तो मुझे मिला 7, और सपोज मैंने रखा माइनस 1 तो मुझे मिला प्लस 1, प्लस का 1. सपोज मैंने रखा माइनस 3/2 तो माइनस 3/2 पे ठीक 0 मिलेगा. इस तरह से इसका कुछ ग्राफ बनने वाला था. राइट, अब 2 के बाद इसका ग्राफ बनाना है, तो ठीक 2 के बाद ही इसका ग्राफ स्टार्ट होगा. और याद रखिएगा, इसके ग्राफ को मैं 2 से ऊपर नहीं ले जा सकता, ये 2 पे खत्म हो गया. ये ठीक 2 पे कितना मिला है, 7. तो ये आउटपुट आपका 7 है. अब 2 के बाद ये ग्राफ बनेगा, तो ठीक 2 प्लस एच रखने पर आपको कितना मिलता है, जब आपने 2 प्लस एच रखा तो आपको मिलता है 1. तो 2 प्लस एच पर, ठीक 2 के बाद की बात पे बात करूं तो 1. फिर आपने रखा सपोज 4, तो 4 रखा तो 8 माइनस 3 5. तो इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा कुछ. अब एक चीज समझिएगा कि ये ग्राफ ब्रेक हो गया, अलग अलग वैल्यू. अगर ये जुड़ जाता, दो अलग अलग फंक्शन भी जुड़ जाए, एक मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्यूबिक, वो जोड़ रहे होंगे तो हम कंटिन्यूअस बोल सकते हैं. तो यहां पर ये कंटिन्यू नहीं है क्योंकि ग्राफ में गैप आ गया, फंक्शन 2 पर ब्रेक हो रहा है. तो दो अलग अलग फंक्शन थे, तो इसकी कंटिन्यूटी आपको 2 पे चेक करनी थी. तो 2 पर हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस. राइट, नोट डाउन. यस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. देखिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3. ठीक माइनस 3 से प्लस 3 पर 2x है, और ग्रेटर देन 3 पर ये 6x प्लस 2. अब देखिए आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट क्या क्या है. माइनस 3 और प्लस 3 पे ग्राफ का ब्रेक हो रहा है, दो अलग अलग फंक्शन है. प्लस 3, 3 और प्लस 3 पे, तो मुझे क्या करना है, क्या करना है, कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, एक माइनस 3 पे चेक करनी होगी और एक प्लस 3 पे. ये 3 फंक्शन है, क्या ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ये देखना है. ये कहां पर एंड हो रहा है, माइनस 3 पे. ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस 3 से. ये एंड कहां पे हो रहा है, प्लस 3 पे. ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से. तो हमें इसकी कनेक्टिविटी देखनी है कि ग्राफ कंटिन्यूअस हो सकता है कि नहीं. ऑल ग्राफ्स आर डिफरेंट, राइट, पर ये ग्राफ क्या जुड़ सकते हैं कि नहीं, ये चेक करना है. सबसे पहले एट x इक्वल टू माइनस 3 की अगर मैं बात करूं, राइट, तो माइनस 3 पे, ठीक माइनस 3 यही रखेंगे, तो माइनस 3 का मॉड प्लस 3, दिस इज 6, राइट, क्योंकि मॉड का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है. अब आप इसको ना भी लिखो क्योंकि ये तो एक ही बात है, लेफ्ट वाला तो वही देगा रिजल्ट, क्योंकि ये तीनों इक्वेशन अपने आप में
अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो तीनों इक्वेशन अपने आप में एवरीवेयर कंटिन्यूस है, पर क्योंकि कंडीशन दी है तो हमें कंडीशन पे इसके ग्राफ को -3 पे एंड करना है, इसके ग्राफ को -3 से स्टार्ट करना है, इसके ग्राफ को 3 के बाद स्टार्ट करना है, तो हमें वो अलग अलग ग्राफ हैं ये कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं ये चेक करना था। तो ये लिखते तो भी चलता, नहीं लिखते तो भी चलता, देन अगेन ये 6 ही मिलता। अब जब आप -3 प्लस एच लेंगे यानी 3 से ज्यादा, तो ये वाला फंक्शन हुआ, तो कितना -2 इंटू -3 प्लस एच, दिस इज 6, क्योंकि एच की जगह 0 रखते तो 6 मिलता। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू -3 फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट। अब आते हैं 3 पर। अब 3 पे क्या होगा, अब ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो आप लिमिट के साथ लिख दीजिए और कोई चीज नहीं, स्टेप्स वही होती है, इसलिए मैं वो स्टेप्स को सेव कर रहा हूं, टाइम आपका भी सेव होगा पढ़ने में, आप उसके साथ लिमिट स्टेप्स के साथ लिख दीजिए, एग्जाम्पल्स में भी वो स्टेप्स दी हुई हैं, राइट। अब x इक्वल टू 3, अब x इक्वल टू 3 पे सबसे पहले 3 कहां रखेंगे, 3 पे यहां लिखा है तो यहां रखेंगे 6 इंटू 3 प्लस 2 20, फिर आपने लिया 3 माइनस एच, 3 से कम, 3 प्लस एच पे तो यही होगा, 3 से कम पे ये फंक्शन होगा, तो -2 इंटू 3 माइनस एच, दिस इज -6, राइट, -6। अब f3 देखिए क्या हुआ, नॉट इक्वल टू f3 माइनस एच, तो एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, राइट। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये दो ग्राफ कनेक्ट होंगे, ये ग्राफ कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका LHS f3 ठीक 20 दे रहा है और f3 माइनस एच -6 दे रहा है, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देखिए क्या है, fx इक्वल टू मॉड x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 0। अगर देखिए ये डिफाइंड वैल्यू कभी भी दी हुई हो तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ठीक 0 पर मुझे 0 रिजल्ट मिल रहा है और 0 के अलावा जब भी कोई फंक्शन कंसिडर करें तो ये लेंगे, राइट। अब आपने सबसे पहले निकाला 0 प्लस एच, बोलिए क्या होगा, 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, मॉड एच अपॉन एच, दिस इज 1। आपने 0 माइनस एच निकाला, ये मिला मॉड एच, एच माइनस एच, दिस इज -1। सबसे पहले तो लॉजिकली हम देखें यही इक्वल नहीं है तो फंक्शन बाय डिफॉल्ट ही डिसकंटिन्यूस हो गया, बट साथ में ये एफ 0 के इक्वल भी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे इसका रिजल्ट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, राइट। नोट डाउन, यस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखिए क्या, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे -1। इसका मतलब यह हुआ लॉजिकली कि अगर ठीक 0 निकला है तो -1 लिखूंगा, 0 प्लस एच भी लिखना होता तो भी -1, पर 0 माइनस एच पर यह वाला फंक्शन लेंगे, तो 0 माइनस एच पर देखिए क्या होगा, 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, दिस इज माइनस मॉड एच अपॉन माइनस एच। बस आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ये एच इसकी जगह लिमिट लिख दिया करिए बस, अपॉन माइनस एच, दिस इज -1। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू एफ जीरो माइनस एच, सब इक्वल है और -1 के, तो हम यहां पर बोलेंगे कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन, अगर डिफाइंड वैल्यू दिए तो कई बार डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी कंटिन्यूस हो सकते हैं क्योंकि डिफाइंड वैल्यू भी वैल्यू रखती है, राइट। नोट डाउन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखिए क्या है, लॉजिकली देखें तो ये दोनों ही पॉलीनोमियल इक्वेशन है एवरीवेयर कंटिन्यूस, पर ब्रेक हो गया, अगर 1 पे ब्रेक है तो हमें 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। एफ 1 निकालिए, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस एच निकालिए क्योंकि 1 प्लस एच पे तो यही फंक्शन रहेगा, तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 2, राइट। अगर आप 1 प्लस एच निकालते भी तो ये वाला फंक्शन कंसिडर करते तो 1 प्लस एच प्लस 1, दिस इज ऑल्सो 2, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, राइट। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 2, पॉलीनोमियल इक्वेशन एवरीवेयर कंटिन्यूस होती है पर ग्राफ 2 तक जाएगा इसका और इसका 2 के बाद जाएगा, इस मीन्स कि हमें 2 पर जो ब्रेक हो रहा है उस पर देखना है कि ग्राफ कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो सिंपल, सबसे पहले एफ 2 बोलूं तो यहां रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 3 8 माइनस 3 5, राइट, 2 माइनस एच नहीं रखना है, रख के देख ले चाहे तो, देन अगेन दिस इज ऑल्सो, ये तो सेम ही रहेगा बिकॉज अब 2 प्लस एच पे जरूर चेक कर लीजिए आप, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच का स्क्वायर
प्लस ऑफ वन, देन ये हो गया फाइव, राइट तो आप बोलेंगे कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू फाइव। ध्यान रखिएगा आगे चल के यही सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी पे मिलेंगे, मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं यहां पर, जिससे एक तरह से इन क्वेश्चंस को बीच बीच में बताता भी चलूंगा कि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो क्या। डिफरेंशिएबिलिटी का लॉजिकल मीनिंग होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है कि नहीं, तो जो फंक्शन कंटिन्यूस होता है वही आगे जाके डिफरेंशिएबल हो सकता है और ना भी, मतलब डिपेंड, पर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ भी नया नहीं होता, उसमें हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, लिमिट एक्स टेंस टू सपोज ए पे निकालें तो ए प्लस एच, सॉरी लेफ्ट हैंड है तो ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। वो जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे तो फॉर्मूला बताऊंगा, पर अभी से इसलिए बता रहा हूं कि यही सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो तो हम बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मींस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है, जैसे आप डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब 11th में पढ़ा आपने, 3x स्क्वायर लिखते हो, या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स लिखते हो, पर इसके पीछे रीजन है कि क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी का ही एडवांस पार्ट है। ये जो आप निकाल रहे हैं ये बस इस फॉर्मूले में पुट कर दें, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आए तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना होता तो याद रखिएगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं ये एक स्टेप आ गए बस, हमें टू पर इसकी डेरिवेटिव देखना है मान लीजिए सपोज, तो लेफ्ट हैंड एफ डैश टू, तो क्या लिखता मैं, टू माइनस एच, बस यहां पे ध्यान रखिएगा ऐसे लिखा जाएगा 2 माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच। अब अभी h को जीरो नहीं रखना, यहां तो h को हम जीरो रख देते हैं, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो मत लिखना, तो क्या लिखेंगे आप 2 माइनस एच का लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3 माइनस एफ टू, एफ टू कितना है माइनस ऑफ 5 अपॉन माइनस h, राइट right? अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व किया तो लिमिट एस टेंस टू जीरो बोलिए 8 माइनस क्या होता है ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो माइनस 4 12 एच प्लस 3 इंटू 2 6 एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब माइनस 3 माइनस 5 अपॉन माइनस एच, राइट ये माइनस 8 से पूरा प्लस 8 कैंसिल, अब एच कॉमन निकल के कैंसिल तो क्या मिला माइनस 12 प्लस 6 एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, राइट एच से एच कैंसिल, अब एक माइनस बचा एच की जगह जीरो रख दिया तो ओवरऑल रिजल्ट आया 12, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ने दिया। अब सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव से भी हमें निकालना होगा आर एफ डैश टू है या नहीं है ये चेक करना है, तो लिमिट x टेंस टू 2 h हो जाएगा, h भी लिख सकते हैं 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 5 अपॉन h, राइट इसको सॉल्व किया। डिफरेंशियलिटी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कंटिन्यूटी का एडवांस पार्ट है, बस जो आप लिमिट कंटिन्यूटी में निकालते हैं वो तीन कंसेप्ट आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये क्या होगा बोलो 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 बाय एच, राइट 5 से 5 कैंसिल h कैंसिल हुआ तो 4 प्लस h, अब h की जगह 0 रखा तो 4, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मींस अब इस क्वेश्चन को यही क्वेश्चन मिलने वाले जो इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा जो कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज है उसको सारे क्वेश्चंस को आप डिफरेंशिएबिलिटी में भी चेक कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, राइट अगर सपोज ये डिफरेंशिएबल होता तो कंटिन्यूस होगा, पर एवरी कंटिन्यूस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल, बट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, राइट तो डिफरेंशिएबिलिटी इसका एडवांस पार्ट है जो इस चैप्टर में दिया हुआ, कम क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी के बुक में, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप जो क्वेश्चन ये कर रहे हैं इन्हीं क्वेश्चन की डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, नोट डाउन। यस क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, देखिए क्या है, एक्स पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, सिंपल क्वेश्चन है, 1 पे ही चेक करनी है, दोनों ही पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो हम खुद ही बोलते कंटिन्यूस एवरीवेयर, पर कंडीशन गिवन है मींस 1 रखा तो 1 यहां रखेंगे, देखिए आप
1 की पावर 10 माइनस 1 दिस इज 0, 1 प्लस h पे आएंगे तो यहां रखेंगे 1 प्लस h का स्क्वायर दिस इज 1, तो कंटिन्यूअस नहीं है। f1 नॉट इक्वल टू f1 प्लस h, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब जैसे सपोज ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करनी, आप लिख दोगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल बिकॉज फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट? नोट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, देन अगेन पॉलिनोमियल इक्वेशन है, 1 पे चेक करिए, ये रखा 1 तो 1 प्लस 5 दिस इज 6, 1 प्लस h जब रखेंगे तो 1 प्लस h माइनस 5 दिस इज माइनस 4, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। एंड रिमेंबर, अगर इसमें डिफरेंशियबिलिटी पूछी होती तो हम लिखते फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशियबल बिकॉज फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए, देख के समझ में आ रहा है, थ्री डिफरेंट फंक्शंस हैं, 0 से 1 में फंक्शन का वैल्यू कितना है 3, यानी 1 पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे ठीक 3, मैं 1 प्लस एच पे बोलूं तो आप बोलते हैं 1 प्लस एच में सी ए 4, अगर मैं ठीक 3 पे बोलूं 3 पे तो 3 पे कितना 5, और 3 माइनस एच पे बोलूं तो 4, राइट? आपको दो जगह ब्रेक चेक करनी थी, 1 पे और 3 पे, दोनों पर ही डिफरेंशियबल नहीं है, सॉरी कंटिन्यूस नहीं है। एफ वन नॉट इक्वल टू एफ वन प्लस एच, सिमिलरली एफ थ्री नॉट इक्वल टू एफ थ्री माइनस एच, फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 3। यस, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 15-16 सिमिलर क्वेश्चन थे इसलिए स्केप किए, और प्रीवियस जैसे ही क्वेश्चन थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3, एट एक्स इक्वल टू 3 फंक्शन इज कंटिन्यूअस पॉइंट ए एंड बी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मिलेंगे। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, 3 पे, मीन्स एफ थ्री इक्वल टू एफ थ्री प्लस एच इक्वल टू एफ थ्री माइनस एच, बस। तो सबसे पहले तो एफ थ्री बताइए क्या होगा, तो एफ थ्री मतलब ये वाला फंक्शन होगा ए इंटू 3 प्लस 1 मीन्स 3a प्लस 1। मैं आपसे बोलूं कि 3 प्लस h क्या होगा, तो 3 प्लस वाला फंक्शन लेंगे हम, क्योंकि ग्रेटर देन 3 लिखा है, तो b इंटू 3 प्लस h प्लस ऑफ 3, तो h की वैल्यू 0 रख दोगे तो 3b प्लस 3, अब ये इक्वल है तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 मीन्स 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, a माइनस बी इक्वल टू 2 बाय 3, ए माइनस बी इक्वल टू 2 बाय 3, राइट? अब यहां पर हम देखें तो आप 3 माइनस एच पे आप निकालते भी तो यही होता फंक्शन, 3 माइनस एच पे क्या लिखते a इंटू 3 माइनस एच प्लस ऑफ 1, और जब आप h की जगह 0 रख देते तो वही आता 3a प्लस 1, तो यहां पे बस कंडीशन ही आएगी आपके पास, क्या कंडीशन आएगी, a माइनस बी इक्वल टू 2 बाय 3, क्लियर है बात? तो a माइनस बी इक्वल टू 2 बाय 3 या a इक्वल टू b प्लस 2 बाय 3, यहां ध्यान रखिएगा a और b सेपरेट नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास कंडीशंस कम थी, अगर एक और इक्वेशन दी होती तो हो सकता था आप कंडीशन से a एंड b सेपरेटली भी निकाल सकते थे, राइट? यस, क्वेश्चन नंबर 18 देखते, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1? ये सेकंड स्टेप है, पहले कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 दिया है, मीन्स f0 0 प्लस h के इक्वल होगा, f0 आप इससे निकाल सकते हैं, देखिए क्या आएगा, f0 लैम्डा इंटू 0 माइनस 2 दिस इज 2 इंटू 0 फाइनली 0, राइट? तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, 0 प्लस h निकालते तो क्या होता है 4 इंटू 0 प्लस एच प्लस ऑफ 1, राइट? 0 प्लस एच प्लस ऑफ 1, तो ये मिलता आपको, एच के 0 रख देते तो 1, राइट? अब देखिए यहां पर एक चीज समझिए कि आपको एफ जीरो निकालना है, इसकी भी जरूरत नहीं थी अभी, तो एफ जीरो पे ये 0 आ गया, यानी लेमडा की कोई भी वैल्यू हो सकती थी एट एक्स इक्वल टू 0, तो एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, क्योंकि यहां पर लेमडा का टर्म ही नहीं बच रहा। अब आपसे जैसे अगली स्टेप पूछिए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 मीन्स x ग्रेटर देन 0 वाले पे जाएंगे, तो दिस इज पॉलिनोमियल इक्वेशन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, यानी अगर आपसे मैं बोलूं कि f1 निकाले तो आप 1 इसी में रखते हैं, 4 इंटू 1
प्लस वन दिस इज फाइव एंड वन प्लस एच भी निकालते तो यही रखते, दिस इज ऑल्सो फाइव. वन माइनस एच भी निकालते तो भी यही रखते, देन अगेन फाइव. तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, और एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हम बोल सकते हैं नो वैल्यू ऑफ लैम्डा. राइट, नोट डाउन. तो यहां पर लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि यहां पर डिफाइंड नहीं हो रहा है, और वन पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. नोट डाउन. यस, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं. प्रूव करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स. मीन्स इंटीग्रल वैल्यू पे आपको इसकी डिसकंटिन्यूटी प्रूव करनी है. आपको लॉजिकली पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जाम्पल में भी, कि अगर केवल इसमें एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता तो ये स्टेप ग्राफ होता और इंटीग्रल पे ही ब्रेक होता है. जीरो से वन में वन, जीरो वन से टू में वन, टू से थ्री में टू, लाइक दिस. तो आपको इंटीग्रल वैल्यू पे ही बताना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंटीग्रल वैल्यू पे निकालेंगे एनी इंटीग्रल वैल्यू, तो इसका रिजल्ट अलग अलग हो जाएगा. जैसे एट एक्स इक्वल टू टू ले लू, एक एग्जाम्पल से बताता हूं और जल्दी क्लियर होगा. राइट, तो टू लू तो सबसे पहले टू रखिए, तो टू माइनस टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर टू का टू ही होगा, ये मिला जीरो. अगर मैं बोलू टू प्लस एच लो, तो आप लिखते टू प्लस एच माइनस टू प्लस एच. राइट, अब याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में टू प्लस एच जब लिख रहे हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो टू ही मिलेगी वैल्यू. तो इसका मतलब एच की जगह बाद में जीरो रख दोगे, तो टू प्लस एच माइनस टू क्या मिला, एच. अब आपने एच की जगह जीरो रख दिया तो अब टू प्लस एच आपको मिला एक तरह से जीरो. पर जब टू माइनस एच लेंगे तो देखिए क्या चेंज आएगा, वो समझना है. टू माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर टू माइनस एच. अब देखिए क्या हुआ, जब टू माइनस एच निकालेंगे तो एच भले ही कितना भी छोटा हो पर जीरो तो नहीं है. तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा मिलेगा 1.999999, तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, वन. इसका मतलब यहां पर मैं लिखूंगा 2 माइनस एच माइनस वन, तो ये मुझे मिला 1 माइनस एच. राइट, ये कितना मिला, 1 माइनस एच. अब अगर एच की जगह जीरो रख दूं तो 1 मिला. तो देखिए क्या हुआ, एफ टू प्लस एच नॉट इक्वल टू एफ टू माइनस एच. तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी इंटीजर्स, यानी ये कोई भी इंटीजर लोगे तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा. और वो इसलिए होगा क्योंकि यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वैल्यू पर हमेशा डिसकंटिन्यू होता है. ये मैंने एग्जांपल्स में भी समझाया था, ये क्वेश्चन भी आ गया. नोट डाउन. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते, देखिए क्या है. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव एट एक्स इक्वल टू पाई. राइट, पाई पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. अगर मैं ठीक पाई पे लिखूं, देख के समझ में आ रहा है ये सभी फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है. राइट, क्योंकि साइन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, एक्स स्क्वायर भी, फाइव तो कांस्टेंट है. पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव, मीन्स पाई स्क्वायर प्लस फाइव, साइन पाई कितना, जीरो. अब आप सपोज पाई प्लस एच रखते भी तो क्या होता, पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस ऑफ फाइव. राइट, अब ये तो पाई प्लस एच का स्क्वायर ही रहता, यहां पर साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा हो जाता, माइनस का तो प्लस हो गया, प्लस ऑफ फाइव. अब एच की जगह जीरो रखते तो अगेन पाई स्क्वायर प्लस फाइव मिलता. देखिए कॉस में फर्क पड़ सकता है, कॉस जीरो क्या होता है, वन. कॉस पाई क्या होता है, माइनस वन. पर साइन जीरो भी जीरो, साइन पाई भी जीरो, ये सब जीरो होते हैं. अब आप सपोज पाई माइनस एच लेते तो क्या होता, पाई माइनस एच लेते तो ये होता पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस ऑफ फाइव. अब साइन 180 माइनस थीटा साइन होता है, पर जब आप एच की वैल्यू जीरो रखते तो ये जीरो हो जाता, तो मिलता कितना, पाई स्क्वायर प्लस फाइव. तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई. नोट डाउन. यस, 21 क्वेश्चन देखते हैं. इसमें बोला है कि डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी. एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अगर हम ध्यान दें तो ऑल थ्री क्वेश्चन आर कंटिन्यूस फॉर एवरीवेयर, बिकॉज साइन और कॉस फंक्शन का बेसिक नेचर जो होता है वो कंटिन्यूस होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि इसकी डोमेन रियल नंबर होती है. अगर मैं इसके ग्राफ को भी देखूं तो ये इनफाइनाइट तक कहीं ब्रेक नहीं होता. साइन एक्स का ग्राफ हो चाहे कॉस एक्स का ग्राफ हो, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता. तो लॉजिकली साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस. हाँ, टेन एक्स होता तो हमें टेन एक्स की डोमेन में लिखते ही ये हैं,
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 इनटू पाई बाय 2। आपने 10 के ग्राफ को देखा, 10 cot sec cos x सब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, पाई बाय 2 पे ब्रेक होते जाते हैं। जैसे 10 का ग्राफ देखें तो ऐसा होगा, ये ब्रेक, फिर 3 पाई बाय 2 पे आएंगे, ये बीच में पाई, देन अगेन ब्रेक, तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 इन पे ब्रेक होता है। तो 3 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इसे सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे? अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो साइन और कॉस के कोफिशियंट है 1, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर रूट लिया तो रूट 2। अगर आप रूट 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये कंसेप्ट बनाए हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रूट 2 साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4। दिस इज रूट 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। केवल ग्राफ पाई बाई 4 से शिफ्ट हुआ और कुछ नहीं, तो ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। सेम इसमें भी यही कंसेप्ट लगा, बस बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिंपली आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का डिवाइड, तो ये साइन 2x बन गया। तो यानी आपने इसे सिंगल फंक्शन बना लिया, तो साइन एंड कॉस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरीवेयर। राइट, नोट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, देखिए क्या है। fx इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0, x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल, सबसे पहले अगर मैं ठीक 0 पे बोलूं तो ये फंक्शन लेंगे हम, 0 प्लस 1 दिस इज 1। इवन 0 प्लस h भी लेते तो यही वाला कंसीडर करते, 0 प्लस h प्लस 1 दिस इज ऑल्सो 1। पर जब 0 माइनस h लेंगे तो हम न्यूमरेटर वाला मतलब फर्स्ट लेंगे, तो साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, एस एच कैंसिल, साइन एच अपॉन एच। याद रखिएगा, हम यहां पर ये एक स्टेप नहीं लिखते लॉजिकली, एफ जीरो माइनस एच का मतलब ये होता है। अब ये कितना होता है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1, तो दिस इज ऑल्सो 1। तो 0 प्लस एच इक्वल टू 0 माइनस एच इक्वल टू एफ 0, 1, 1, 1, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। राइट, नोट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, देखिए क्या है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। सबसे पहले अगर कभी ये क्वेश्चन लिखा आ जाए, ये बहुत कॉमन लोग मिस्टेक करते हैं, x टेंस टू 0, x साइन 1 बाय एक्स को लोग 1 लिख देते हैं। कैसे, पहले बता देता हूं, और ये क्या मिस्टेक है वो भी समझ लीजिएगा। साइन 1 बाय एक्स अपॉन 1 बाय एक्स लिखते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये दोनों सेम है इसलिए 1, बट ध्यान रखिएगा ये 1 नहीं होता है, बल्कि एक्चुअल में होता क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1 बाय एक्स है, तो अगर मैं x के प्लेस पे 0 रख दूं, समझिएगा, x इंटू साइन 1 बाय 0, एक्चुअल में यहां 0 नहीं होता, ये 0 के इक्वलेंट होता है, तो साइन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, तो x इंटू बिटवीन माइनस 1 एंड प्लस 1 वैल्यू होती है, और यहां पर x है इंटू के साथ और 0 मल्टीप्लाई होता तो रिजल्ट 0 होता। तो समझना यह है कि ये पहले तो 1 नहीं होगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए x इंटू साइन 1 बाय एक्स, तो लॉजिकली समझिए साइन 1 बाय 0, यहां 0 नहीं है, इक्वलेंट टू 0 है, मतलब हम 0 प्लस h लिखे ऐसा समझें, 0 प्लस h या 0 माइनस h, तो इसकी वैल्यू बिटवीन माइनस 1 एंड प्लस 1 मिलेगी, यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां पर भी h आएगा, तो बिटवीन माइनस 1 एंड प्लस 1 और ये एक तरह से h है। अब इसके 0 होने से इनटू दिस, तो ओवरऑल रिजल्ट हम 0 बोलते हैं। राइट, और वैसे भी लिमिट का जो आंसर होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, उसके इक्विवेलेंट होती है। तो यहां पर अब क्वेश्चन ऐसा, देखिए 0 पर तो आपको 0 दे रहा है, अब 0 प्लस h पर 0 के अलावा आप कोई भी ले लें, 0 प्लस h ले लें, तो यहां क्या होगा, 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1 बाय 0 प्लस h। राइट, एक तरह से हमें मिला h स्क्वायर साइन 1 बाय h, देन अगेन h स्क्वायर बिटवीन माइनस 1 एंड प्लस 1, h की जगह 0 रख देंगे तो ओवरऑल रिजल्ट 0। एंड सेम यही कंसेप्ट 0 माइनस एच पर भी होगा, ये भी माइनस 1 से प्लस 1 मिलेगा और इनटू 0 मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल रिजल्ट 0। तो अभी आप इस फंक्शन को बोल सकते हैं कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। राइट, नोट डाउन। एंड रिमेंबर, ये क्वेश्चन याद रखने वाला भी है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर उसमें अक्सर एक्स लिख देते हैं और आंसर हम गलती से 1 लिख देते हैं, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझने वाला क्वेश्चन है। राइट, यस, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, देखिए क्या है।
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो माइनस वन, एक्स इक्वल टू जीरो। एक सिंपल सा लॉजिक है, एफ जीरो पे माइनस वन है। अब इसके अलावा आपको चेक करना है, सपोज आपने लिया जीरो प्लस एच, तो क्या होगा? साइन जीरो प्लस एच माइनस कॉस जीरो प्लस एच। अब देखिए साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन, पर आगे माइनस लिखा तो माइनस वन आ गया। इवन आप जीरो माइनस एच भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बिकॉज कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता। अगर मान लो ये माइनस होता तो प्लस होता, पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन अगेन माइनस वन, तो आप बोलेंगे कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट? यस। नेक्स्ट देखते हैं 26 to 29। एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या कई बुक में लैम्डा लिखा रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जब भी कभी ये बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो आप इसको लिमिट से भी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी हमें पता होता है कंटिन्यूस है। इसलिए मैंने ऑल क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये है एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। अब देखिए इसमें एफ पाई बाई टू, पॉइंट पता है, पाई बाई टू पे मुझे थ्री दिया है। अब आपको करना क्या चाहिए, आप या तो पाई बाई टू प्लस एच निकाल लें या पाई बाई टू माइनस एच निकाल लें, एनी वन, क्योंकि इक्वल होगा। तो आपने सपोज पाई बाई टू माइनस एच लिखा, तो देखिए के कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन, लिमिट नहीं लिखी मैंने, आप अगर एग्जाम में कर रहे हो तो लिमिट लिख के करिएगा। तो ये हो गया के कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, ये हुआ पाई माइनस पाई प्लस टू एच, पाई से पाई कैंसिल, के साइन एच अपॉन टू एच। अब साइन एच अपॉन एच कितना होता है, ये लिमिट के साथ चल रहा होता है क्वेश्चन वन, तो ये मिला एक तरह से k बाई टू। एंड दिस इक्वल टू, हमें पता है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो पाई बाई टू किसके इक्वल होगा, पाई बाई टू माइनस एच के। इसका मतलब k बाई टू इक्वल टू थ्री, देन k इक्वल टू सिक्स। तो इसमें आपको दोनों लिमिट भी निकालने की जरूरत नहीं है, सिंगल लिमिट से भी काम हो जाएगा। टू लिमिट जब निकालते हैं, जब टू अननोन होते हैं, सिंगल अननोन में तो हम एक कंसेप्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? नोट करिए, यस, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। एफ टू दिया है, अच्छा टू पे पूछा है, तो टू प्लस एच कितना दिया है, ग्रेटर देन टू, दिस इज थ्री। अब टू माइनस एच देखिए क्या होगा, टू माइनस एच या टू भी बोल सकते हैं, क्या जरूरत है टू माइनस एच की? एफ टू अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, के इन टू टू का स्क्वायर, दिस इज फोर के, थ्री इक्वल टू फोर के, देन के इक्वल टू थ्री बाय फोर, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक ग्रेटर देन पाई, पाई पे कितना पहले बताइए, एफ पाई, पाई कहां रखेंगे जहां इक्वल लगा है, तो के इन टू पाई प्लस वन, के इन टू पाई प्लस वन, और पाई प्लस एच नीचे वाले में कॉस पाई प्लस एच, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, जीरो रखा एच की जगह तो माइनस वन, तो क्या होगा, के पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, के पाई इक्वल टू माइनस टू, के इक्वल टू माइनस टू अपॉन पाई, राइट? ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, सिंगल स्टेप में हो जाएगा। फाइव कहां रखेंगे इसमें, तो फाइव रखिए, तो फाइव के प्लस वन, ग्रेटर देन फाइव कहां रखेंगे, यहां फाइव प्लस एच, बोलिए थ्री इंटू फाइव प्लस एच माइनस ऑफ फाइव, एच की जगह जीरो रख दीजिए, 15 माइनस फाइव 10, तो हो गया क्वेश्चन 5 के प्लस वन इक्वल टू 10, के इक्वल टू 9 बाय 5, राइट? नोट डाउन, यस। क्वेश्चन नंबर 30 देखते, देखिए इसमें फाइंड ए एंड बी, टू अननोन है, तो देखिए थ्री इक्वेशन दी, वन अननोन पे टू, टू अननोन पे थ्री। अब देखिए अलग अलग फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, एक टू पर है और एक टेन पे ब्रेक हो रहा है, मीन्स हमें क्या करना है, टू और टू प्लस एच, इससे एक इक्वेशन निकालेंगे। एक देखिए 10 और 10 पर है, तो क्या लिखोगे बोलो, 10 और 10 माइनस एच। सबसे पहले 2 पे आते हैं, एफ टू बोलिए कितना, 5, 5, एफ टू प्लस एच बोलिए, तो ए इन टू टू प्लस एच प्लस बी, एच की जगह जीरो रख दिया, तो 2a प्लस बी, और आपके पास एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ऐसे 10 पे निकालिए, ठीक 10 पे कितना, 21, 10 माइनस एच, ए इंटू 10 माइनस एच प्लस ऑफ बी, दिस इज 10a, एच की जगह जीरो रख दिया,
प्लस बी, तो एक और इक्वेशन बन गई 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब बस इन टू इक्वेशन को सॉल्व करते ही a और b निकल आएगा। तो बोलिए इसी के नीचे लिख लेते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 5, माइनस किया ये कैंसिल, 8a इक्वल टू 16, a की वैल्यू 2, a 2 यहां डाल दो तो b की वैल्यू 1, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट फोर क्वेश्चन देखते देखिए 31, 32, 33, 34 कंप्लीटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, कॉस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, देयरफॉर कॉस एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस, मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस, कॉस फंक्शन कंटिन्यूअस, साइन फंक्शन कंटिन्यूअस, मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस, मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस इसलिए कंटिन्यूअस। अब इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एक जनरल पॉइंट ले सकते हो, पर आप इसमें एक नोट लिख देंगे ऑल कॉस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस, देयरफॉर कॉस एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस। सिमिलरली यहां पर मॉड एंड कॉस फंक्शन कंटिन्यूअस, साइन एंड मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस, मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन थे, सिंपल चैप्टर है, बस कंटिन्यूटी में एक ही चीज याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू, तो कंटिन्यूटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी इसका एडवांस पार्ट है जो अभी हम कवर करते हैं, नोट डाउन।